नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। सत्य में सत्ता में मैं आपको बताऊंगा कि आधा हिंदुस्तान किस तरह बाढ़ से बेबस है। लेकिन बिहार से जो तस्वीरें सामने आई है उसने सुशासन के दावों की धज्जियां उड़ाकर रखी है। नमस्कार, मैं हूं प्रिया सिंह। सत्य पे सत्ता में आज मैं आपको बताऊंगी बिहार में त्राहिमाम कर रहा है इंसान, भूख और बर्बादी से कैसे है जिंदगी परेशान। मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। सत्य पे सत्ता में आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर गंगा के बढ़ते जल को लेकर पटना में दहशत में क्यों है लोग। मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। असम पर आसमानी आफत ऐसी कहर बनकर टूटी मानो कयामत आ गई। मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी और सत्य पे सत्ता में मैं आपको बताऊंगी एक तरफ बाढ़ का आहतकार तो दूसरी तरफ समंदर की लहरों से जंग। नमस्कार, मैं हूं मल्लिका मल्होत्रा। सत्य पे सत्ता में मैं आपको दिखाऊंगी आधे घंटे की बारिश में यूपी का सरकारी अस्पताल बना तालाब, कोरोना काल में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़, तस्वीरों में खेल। मैं अक्षय विनोद शुक्ल सत्य पे सत्ता में आज आपको दिखाऊंगा किस तरीके से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बाढ़ का सायरन बजा है और इस बीच योगी आदित्यनाथ किस तरीके से हवाई एक्शन में नजर आए हैं। बिहार से जो तस्वीरें सामने आई है उसने सुशासन के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। आलम यह है कि बिहार के 12 जिले भीषण बाढ़ से करा रहे हैं। अब बोला ना, बिहार के 10 जिलों में 10 लाख लोगों पर कुदरत का ऐसा कहर जिसे देखकर लोगों का कलेजा कांप जाएगा। लेकिन सीतामढ़ी से आए बाढ़ के तांडव की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। नेपाल से आई मुसीबत ने उत्तर बिहार के जिले सीतामढ़ी को पानी पानी कर दिया है। शहर से गांवों का संपर्क टूटा तो लोग घरों में ही कैद हो गए। एक तरफ सैलाब तो दूसरी तरफ जल बंधक बने इंसान। नेशनल हाईवे से सीतामढ़ी शहर को जोड़ने वाली सड़क नदी के जलस्तर बढ़ने की वजह से कट गई है, जिसके चलते गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और अब लोग जान जोखिम में डालकर टूटे हुए पुल को पार करने को मजबूर हैं। जान हथेली पे लेके जा रहे हैं, कितना खतरनाक है। ये सड़क पूरी तरीके से टूटी हुई है, बह चुकी है, ये पुल बह चुका है, बांस की चचरी और उसके ऊपर से बाइक जा रहा है, एक एक करके बाइक गुजर रहे हैं। अब सोचिए, जान हथेली पर लोग यहाँ पर सड़क क्रॉस करने को मजबूर है। यहाँ की चीनी मिल गन्ना किसानों पर निर्भर रहती है, लेकिन अब तो इलाके का गन्ना भी पानी में बर्बाद हो चुका है। लोगों ने नाव को ही यातायात का साधन बना लिया है। जिन खेतों के ऊपर से नाव गुजर रही है, यहाँ कुछ समय पहले ही धान की फसल दिखाई देती थी। मकान चाहे पक्के हो या कच्चे, पानी ने सबकी घेराबंदी कर दी है। इस वक्त बाढ़ से लोग परेशान हैं, हर तरफ त्राहिमाम है, लेकिन देवदूत बनकर कैसे वायुसेना आई है और लोगों के लिए खाने पीने का कैसे बंदोबस्त किया जा रहा है ताकि उनकी भूख को कुछ कम किया जा सके, आसमान से कैसे राहत सामग्री उन तक पहुंचाई जा रही है, बरसाई जा रही है, देखिए। बाढ़ की मार झेल रहे बिहार के लोगों की मदद के लिए वायुसेना देवदूत बनकर आई और आसमान से हेलीकॉप्टर की मदद से भूख से करा रहे बाढ़ पीड़ितों तक जरूरी सामान पहुंचाया गया। बिहार के दरभंगा, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण जिले में सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित आबादी है। मुश्किल हालात में लोगों तक थोड़ी राहत पहुंचाने के लिए फूड पैकेट्स हेलीकॉप्टर से गिराए जा रहे हैं। गोपालगंज में जिस वक्त वायुसेना के हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट गिराए जा रहे थे, दर्जनों दुकानों और मकानों के टीन शेड और छप्पर हवा में उड़ गए। शेड और छप्पर उड़ जाने की वजह से ग्रामीणों के लिए एक और नई मुसीबत सामने आ गई। आपको बता दें, गोपालगंज में बांध टूट जाने के बाद 11 गांवों में बाढ़ का पानी घुसा तो चारों तरफ पानी ने लोगों को बंधक बना लिया। राहत शिविरों के नाम पर 9 कम्युनिटी किचन भी चलाई जा रही है, लेकिन लोगों तक मदद आसानी से नहीं पहुंच पा रही है और यही वजह है कि बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए एयरफोर्स के चॉपर का सहारा लिया जा रहा है। बाढ़ के पानी में फंसे लोगों की परेशानी दूर करने के लिए एयर ड्रॉपिंग का सहारा लिया गया है। बिहार की राजधानी पटना में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि पटना में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंची तो तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर ले लिया। बिहार में बाढ़ से तबाही देखकर हर कोई हैरान परेशान है। अब तक नजर दौड़ाएंगे, नदियों का रौद्र रूप दिखाई देगा। कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान,
महानंदा और घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, लेकिन अब पटना में गंगा नदी ने उफान मारना शुरू कर दिया है। लहरों की आवाज से ही पटना वासी दहशत में है। बताया जा रहा है कि पटना में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है, मतलब खतरा सिर पर मंडरा रहा है। पटना शहर की सड़कें भी बर्बादी की बारिश से लबालब हुई। हर साल की तरह इस बार भी राजधानी में तालाब बने रास्तों ने पटना नगर निगम और सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी। बिहार में आई बाढ़ को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। तेजस्वी ने जहां नीतीश के 15 साल के विकास में बाढ़ से बेघर लोगों के दर्द को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया, तो वहीं कहा कि नीतीश कुमार को बाढ़ पीड़ितों से ज्यादा कुर्सी की चिंता सता रही है। अद्भुत है नीतीश कुमार जी का ये विकास, 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे और देख लीजिए बिहार के लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, जब उनके जान पे खतरा है, घर बेघर हो गए लोग, भूखे मर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री 130 दिनों से घर के बाहर तक नहीं निकले हैं। कोई गंभीर इन चीजों को लेकर के नहीं, बल्कि उनको अपनी कुर्सी और चुनाव की चिंता है। आपको बता दें कि बिहार के 10 जिले 70% बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रदेश में सैलाब की मार से 10,61,152 लोग प्रभावित हैं। अब तक 95,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए बिहार में 28 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 22 कंपनियां राहत बचाव में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाढ़ से तबाही सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि यूपी में भी दिखाई दे रही है। यूपी के महोबा के एक सरकारी अस्पताल में बारिश के पानी ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो मरीज बेहाल हो गए। धिक्कार है ऐसे सिस्टम पर, धिक्कार है ऐसी व्यवस्थाओं पर जहां बीमारी से लाचार मरीजों को ऐसी मुसीबत झेलनी पड़े। ये हाल सिर्फ आधे घंटे की बारिश के बाद है। सोचिए झमाझम बारिश होती तो अस्पताल दरिया में डूब ही जाता। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के महोबा के जिला अस्पताल की हैं, जहां मरीजों को पानी के बीच उठाकर ले जाया जा रहा है। बेहोशी की हालत में हो या फिर दर्द से कराहते मरीज, सबके साथ ऐसा ही हाल। मरीजों के बेड के नीचे पानी। चौंकिए मत, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में पानी ने कब्जा कर लिया है। और तो और डॉक्टर पानी के बीच ही कुर्सी लगाकर मरीजों को देख रहे हैं। दवाइयों से लेकर मेडिकल उपकरण पानी में तैर रहे हैं। पूरा का पूरा अस्पताल परिसर तालाब बन गया। सोचिए ये अस्पताल के उस विभाग की हालत है जहां इमरजेंसी के मरीज लाए जाते हैं। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया और देश डबल मुसीबत झेल रहा है, ऐसे में अस्पताल के वार्ड में मरीज और परिजन पैर ऊपर कर एक ही बेड पर बैठे हैं। इसके लिए शासन पर भी लिखा जा चुका है और अभी डीएम साहब आए हैं, उन्होंने उसका निरीक्षण भी किया है। अब वो अपने स्तर से जो भी कार्रवाई करेंगे उसके अनुसार कार्य होगा। हालांकि जैसे ही जी मीडिया का कैमरा अस्पताल में पहुंचा, डीएम ने फौरन पानी निकालने के आदेश दे दिए। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बाढ़ के दस्तक के बाद से ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आने लगे हैं। रामलला के दर्शन करने के बाद गोरखपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया। दो साल पहले उत्तर प्रदेश में बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई थी और एक बार फिर उत्तर प्रदेश में जल प्रलय की दस्तक सुनाई दे रही है। देश के कई हिस्सों में लगातार प्रचंड बारिश के बाद मौसम विभाग ने भी उत्तर प्रदेश के दर्जन भर जिलों में आफत की बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। बिहार में जिस तरह से बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है, उसने सीएम योगी आदित्यनाथ की टेंशन बढ़ा दी है। सीएम योगी आज गोरखपुर में हवाई दौरे पर निकले और हर तरफ अपनी नजर दौड़ाई। योगी ने हेलीकॉप्टर के जरिए गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र का दौरा किया और नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ के हालात का जायजा लिया। गोरखपुर जनपद में 63 गांव हैं जो अब तक बाढ़ से आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं और कुछ पूरी तरह मैरूंड हैं। प्रशासन को पहले ही हर एक गांव में नाव उपलब्ध कराने, सभी पीड़ित परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने, मेडिकल की टीम वहां पर स्थानीय स्तर पर तैनात करने और पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए भी पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। सरकारें और प्रशासन हर साल बाढ़ से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम की बात करते हैं, लेकिन लोगों की उम्मीदें और उनके खून पसीने की कमाई से बने आशियाने बर्बादी की बाढ़ में समा जाते हैं। इस साल बाढ़ ने बिहार की सूरत बिगाड़ कर रख दी है।
तो वहीं असम में आसमानी आफत से कयामत आ गई है। सरकार ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं। पूर्वोत्तर का राज्य असम, जहां जल विद्रोह ने लोगों को डरा कर रख दिया है, कोरोना काल में बाढ़ से असम की ऐसी दुर्दशा की कल्पना से ही कलेजा कांप उठता है। इंसान से लेकर बेजुबान जानवर बाढ़ की कैद में हैं। ब्रह्मपुत्र ने ऐसा तांडव मचाया कि इंसानी रूह कांप गई। असम में हर साल ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बढ़ता है, लेकिन इस साल तो मानो कयामत आ गई हो। मरने वालों का आंकड़ा 100 के करीब पहुंच चुका है। हजारों लाखों अभी भी घर से बेघर हैं या रिलीफ कैंपों में मदद के सहारे जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। सिर्फ शहर ही नहीं, गांव के गांव सैलाब में डूबे हुए हैं। सरकार की ओर से मदद तो पहुंचाई जा रही है, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रही है। असम में ब्रह्मपुत्र के महाप्रलय की तस्वीर तमाम जिलों से आई, जिसमें ना जाने कितने गांव गुम हो गए, कितनी सड़कें सैलाब में गायब हो गई। आपदा इतनी बड़ी कि मदद के लिए प्रशासन के भी हाथ पैर फूल रहे थे, बावजूद इसके बाढ़ से जंग जारी। देश भर में बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन आज तमिलनाडु के रामेश्वरम से जिस तरह से मछुआरों को बचाने का एक लाइव वीडियो सामने आया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। समंदर के बीचों बीच सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, जब आसमान से उतरे नेवी के जहाज, नीले समंदर में मछुआरों की जिंदगी की जान, आधे हिंदुस्तान में जल क्रोध के बीच सबसे खौफनाक तस्वीर आपके सामने है। देखिए, जिंदगी और मौत के बीच चंद कदमों का फासला है। नीले समंदर में एक नाव पर सवार 10 जिंदगी और उन्हें बचाने की जंग। तस्वीरें तमिलनाडु के रामेश्वरम की है, जहां एक क्षतिग्रस्त नाव पर सवार 10 मछुआरों को नेवी के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर बचा लिया। देखिए किस तरह हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे नेवी के जवान नाव पर उतरे और एक एक कर सभी मछुआरों का रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि सभी 10 मछुआरे रामेश्वरम में मन्नार की खाड़ी में फंस गए थे। समुद्र में इन मछुआरों की नाव चट्टान से टकरा जाने के बाद डूब गई, जिसके बाद नेवी ने हेलीकॉप्टर की मदद से नाव में सवार सभी मछुआरों को सही सलामत बचा लिया।